नमस्ते भारत। एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं मनविंदर। आजम खान को देर रात मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। वो पिछले कुछ दिनों से ठीक फील नहीं कर रहे और रविवार को ही उन्हें सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल लाया गया था। यहाँ सोमवार देर रात उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए डॉक्टरों ने उनको आईसीयू में शिफ्ट किया। हॉस्पिटल प्रशासन ने देर रात मेडिकल बुलेटिन जारी करके कहा कि 72 साल के आजम खान को ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया है। हर घंटे वो 10 लीटर ऑक्सीजन उन पे लग रही है। 10 लीटर ऑक्सीजन की उनके लिए जरूरत पड़ रही है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला पिछले 14 महीने से सीतापुर जेल में बंद थे। दोनों 1 मई को कोरोना संक्रमित पाए गए। अभी तक उनका जेल में इलाज चल रहा था, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद रविवार को उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। आजम के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला को भी मेदांता में ही भर्ती किया गया है। आजम और उनकी पत्नी रामपुर सदर के विधायक तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ फरवरी 2020 में रामपुर के अपर जिला न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार की अदालत ने कुर्की का वारंट जारी किया था। ये वारंट पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से संबंधित मुकदमे में जारी किया गया था। अदालत में पेश न होने के कारण तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट पहले ही जारी किए जा चुके थे। तीनों ने अपर जिला न्यायाधीश की अदालत में समर्पण किया, जहां उन्हें 2 मार्च 2020 तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया गया था। सांसद आजम समेत तीनों नेताओं को रामपुर जेल में रखा गया था, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर के तीनों को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया था। इससे पहले 20 दिसंबर को फातिमा जेल से रिहा हो गई थी। हालांकि उनके बेटे अब्दुल्ला और खुद सांसद आजम खान जेल में रहे। दरअसल रामपुर के गंज थाने में आकाश सक्सेना ने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आरोप लगाया था उनपे कि अब्दुल्ला आजम खान ने 28 जनवरी 2012 और 21 अप्रैल 2015 को नगर निगम रामपुर से 2 बर्थ सर्टिफिकेट जारी करवाए थे। इसमें अलग अलग जन्मतिथि है। एक में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है, दूसरे में 30 सितंबर 1990 है। ऐसा उनके द्वारा सरकारी लाभ और चुनाव लड़ने के लिए किया गया। उनके इस धोखाधड़ी में उनके पिता आजम खान और उनकी माँ डॉक्टर तंजीन फातिमा भी शामिल हैं। इसी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी भी रद्द हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी एक बड़ी खबर। उनकी हालत आजम खान की काफी गंभीर बनी हुई है और इस समय वो आईसीयू में है। मैं आपको सारा अपडेट देती रहूंगी। आप मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।